गंगोली हाट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में 200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जीआईसी गंगोली हाट मैदान में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने 3 से 14 किलोमीटर तक की सड़कों के डामरीकरण सुधारीकरण का लोकार्पण और जीआईसी कांडा किरौली में अतिरिक्त कक्ष नगर पंचायत बेरीनाग का भवन जीआईसी दसाई थल में अतिरिक्त कक्ष का शिलान्यास किया। 37 मिनट के संबोधन में मुख्यमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी का गुणगान करते नजर आए। कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काशी अयोध्या मथुरा बद्रीनाथ केदारनाथ आदि मंदिरों का निर्माण और पुराण निर्माण किया जा रहा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा। मुख्यमंत्री ने कहा, देश में 70 साल तक राज करने वाली पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक का हिसाब मांगकर सेना का अपमान करती रही। भारतीय सेना आज़ादी से लगातार मजबूत थी, मौजूद है, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में अच्छा नेतृत्व नहीं मिलने से चीन हमें और पाकिस्तान आग दिखाते हैं। केंद्र ने नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद किसी भी पड़ोसी देश की हिम्मत नहीं हुई वो भारत की तरफ आंख उठाकर देखे। कांग्रेस के 70 सालों में एक परिवार को पालने और अपने काले कारनामों को वाले कारोबार को बढ़ाने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा, यहाँ के लोग 4 दशकों से टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की मांग कर रहे। केंद्र की मोदी सरकार ने लोगों की भावनाओं को देखते हुए 29 करोड़ रुपये रेल लाइन की सर्वे और DPR तैयार करने के लिए स्वीकृत किए। प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल में पिथौरागढ़ टनकपुर पिथौरागढ़ धारचूला सहित अनेक सड़कों को ऑल वेदर बनाया है। आज 27 तारीख को ही आपके बीच में आना है और आप सबके बीच में आज ही भेंट होनी है, तो इसलिए आज का दिन ये निर्धारित हुआ। मैं हाट कालिका मैया को भी प्रणाम करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से आज हम सब लोगों को पूरे प्रदेश के अंदर हमारी ये यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो उत्तराखंड राज्य के लिए काम किए गए हैं, देश के लिए काम किए गए हैं, वो आम जनता और सामान्य जनता तक ले जाएंगे। उत्तराखंड राज्य की सरकार ने जो काम किए हैं उन कामों को बताएंगे और सबका आशीर्वाद लेंगे। विजय संकल्प का अभियान करेंगे, पूरा विजय संकल्प है जिसमें कोई विकल्प नहीं है। और उत्तराखंड की जनता को जो मोदी जी ने काम किए हैं, उत्तराखंड सरकार ने काम किए हैं, दोनों ने मिलकर 1 लाख करोड़ की योजना पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई है। तो हमारी जो सरकार उत्तराखंड की जो उसकी ज़रूरत है, केंद्र की सरकार उसको अपनी प्राथमिकता में लेती है। दोनों सरकारें मिलकर डबल इंजन तेजी से आगे बढ़ेगा। हम लोग यही संकल्प जनता के सामने ले जाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। खबर भारतवर्ष के लिए गंगोली हाट उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।